हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैवल वर्ल्ड हेल्पलाइन। सो फ्रेंड्स, आज अपनी इस वीडियो में मैं कनाडा वीज़ा से रिलेटेड अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अभी तक का सबसे बड़ा जो अपडेट है कनाडा की तरफ से वो अनाउंस किया गया है, ये ऑफिशियली बिल्कुल अनाउंस किया गया है। जो कनाडा के एम्बेसडर हैं नादिर पटेल इंडिया में, तो उन्होंने ऑफिशियली ये ट्वीट करके एक बहुत बड़ा अपडेट, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कनाडा जाने के बारे में सोच रहे थे कि VFS कब ओपन हो रहा है, कब हमारी फाइल जमा होगी, कब हमारे को जो रिक्वेस्ट लेटर मिले हुए हैं तो हमारा पासपोर्ट कब सबमिट होगा, तो उनका अब ये इंतज़ार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी कनाडा में पासपोर्ट सबमिट करने के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी तो ये मेरी वीडियो आपके लिए ही है सिर्फ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीज़ा और टूरिज्म से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वीडियो हैं वो मैं आप लोगों तक शेयर करता हूं। सो फ्रेंड्स, कनाडा वीज़ा की अगर बात करें तो कनाडा ने ऑफिशियली बिल्कुल अनाउंस कर दिया है कि जिन लोगों को पासपोर्ट जो है रिक्वेस्ट लेटर मिली हुई है, उन लोगों को एक ईमेल के जरिए, वो यूनिक क्लाइंट कोड है कुरियर का, वो लेटर भेज रहे हैं। वो लेटर का प्रिंट आउट आपको निकाल के, प्लस एक जो आपको रिक्वेस्ट लेटर, सबमिशन रिक्वेस्ट लेटर मिली हुई है, वो रिक्वेस्ट लेटर आप दोनों साथ में लगाकर वो आप अब VFS में सबमिट कर सकते हैं। उस यूनिक जो एक क्लाइंट कोड है कुरियर का जिसको मिला हुआ है, वो ही अपना पासपोर्ट अब VFS में सबमिट कर सकता है। सो इसमें ध्यान रखें, जिन लोगों को अभी रिक्वेस्ट लेटर मिला हुआ है पर अभी एक जो कोरियर का यूनिक रेफरेंस नंबर है वो अगर नहीं मिला है, या इंस्ट्रक्शन लेटर आपको अभी आपके अकाउंट में, जिस भी आप GCT में अकाउंट में आपने पासपोर्ट अपनी फाइल सबमिट की थी, तो वो अगर आपने अभी तक नहीं मिला है तो आप प्लीज़ अभी अपना पासपोर्ट सबमिट ना करिए। और जिन लोगों को ईमेल के साथ एक कोरियर इंस्ट्रक्शन लेटर और पासपोर्ट सबमिट रिक्वेस्ट लेटर दोनों चीज़ मिल गई हैं, वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पासपोर्ट अब अपना सबमिट कर सकते हैं, तो VFS जो है उनका जो वीज़ा है वो प्रोसेस कर देगा। सो फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखें, जिन लोगों के पास रिक्वेस्ट लेटर आया हुआ है पर अभी कोरियर का रिक्वेस्ट या यूनिक क्लाइंट कोड नहीं आया है, वो बिल्कुल भी VFS की तरफ ना जाएं। अभी जो फिंगरप्रिंट है उसके बारे में कनाडा ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि हम जो क्लाइंट है उसका फिंगरप्रिंट लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि 2018 से पहले भी अगर हम देखें तो कनाडा जो है वो सबमिशन के वक्त आपके फिंगरप्रिंट नहीं लेता था। और जो बंदे अगर आप देखोगे सिंगापुर या मलेशिया जाते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर ही उनका फिंगर प्रिंट हो जाता है, वहाँ पे उनके जो फिंगर प्रिंट है वो ले लिए जाते हैं, थंब वगैरह ले लिए जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो सकता है कनाडा ने भी फ्यूचर में सोच रखा हो कि जो पर्सन एयरपोर्ट पे लैंड होता है तो उसके साथ ही साथ फिंगर प्रिंट लेकर उसको बाद में एंट्री दे दी जाए। पर VFS जो है वो अभी क्लोज ही रहेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ अपनी वीडियो के ज़रिए, VFS जो है अभी क्लोज ही रहेंगे। जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन लेटर है और एक यूनिक क्लाइंट कोड कुरियर के जरिए सिर्फ वो पासपोर्ट आपके ले रहे हैं, इसमें मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जो बंदा बिना कुरियर इंस्ट्रक्शन के यूनिक कोड के अपना पासपोर्ट देने जाएगा तो उसकी फाइल अभी प्रोसेस नहीं होगी, हालांकि उसे अगर रिक्वेस्ट लेटर मिली है तो भी। तो ये आप चीज़ें ध्यान में रखें, अभी ये शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी है, मे भी हो सकता है 1 नवंबर से ये बिल्कुल फुल फ्लैश उसको ओपन कर दें और पासपोर्ट जो है वो रेगुलरली जो रूटीन में सबमिशन, जैसे ये पहले पासपोर्ट ले रहे थे वैसे ही ये पासपोर्ट जो है वो दोबारा से ये लेना शुरू कर दें रूटीन में। सो अभी इन्होंने एक स्टेप मूव किया है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक प्लान तैयार कर लिया है 20 अक्टूबर से फर्दर जो है, तो उनके लिए भी जो रिस्ट्रिक्शन है वो अब ख़त्म करके इसको रीओपन कर दिया है। जो भी आपका डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है उनकी जो मदद से, हेल्प से, वो एक प्लान तैयार कर रहे हैं भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लान के तहत कनाडा बुलाया जाए, जो भी बाहर से आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट है, इसमें जो आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसको जो वहाँ की
टेरिटरी या प्रोविंस गवर्नमेंट है उसको एक प्लान तैयार करके देना होगा कि जो वो स्टूडेंट बुला रहे हैं उनको वो कैसे क्वारंटीन करवाएंगे, कैसे उनकी मेडिकल का ध्यान रखेंगे, क्या उनका प्लान है, कैसी उनकी फर्दर स्टडी कनेक्टिविटी को वो कोई भी उसमें दिक्कत ना हो। तो ये सारा प्लान जो है ये आपका जो इंस्टीट्यूट है ये वहाँ की जो प्रोविंस गवर्नमेंट है उसको बनाकर एक प्लान के तहत देगी और उसके अप्रूवल के बाद ही इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है वो वहां पर पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल जा सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन जो है खत्म करके दोबारा रीओपन कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। अगर फर्दर कोई भी वीजा से रिलेटेड या किसी भी और कंट्री के ट्रैवल से रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये आज तक का अपडेट था कैनेडा के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ट्रैवल वर्ल्ड हेल्पलाइन।